चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव प्रचार की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 24 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है। सरकारी बीएड कॉलेज में कर्मचारियों को मतदान पेटियां सौंप दी गई हैं। मतदाता पेटियां लेने से पहले कर्मचारियों ने पूरी चेकिंग की और कोविड नियमों के मद्देनजर देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। आइए दिखाते हैं खबर। सर क्या नाम है सर आपका? बलविंदर सिंह। सर कल मतदान होना है सर, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं सर? उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट ने हमें सारा सामान दे रखा है। उसके बाद हम सारा सामान चेक करके अपने अपने पोलिंग बूथ में जाएंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं कि अगर इनमें कोई छोटी मोटी कोई कमी पेशी होती है तो हम दूर कर सके, इनको बता सके, ताकि हमें कोई बाद में वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। और कल मतदान 7:30 से शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक होएगा। 7:30 से पहले हमें मॉक पोल करना होगा, वहाँ पे कैंडिडेट्स के एजेंट होंगे, एजेंट के सामने हमें मशीन के सामने उनको दिखा बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि इस मशीन में पहले से कुछ नहीं है और ये बिल्कुल वोटिंग के लिए बिल्कुल क्लियर वोटिंग है, ताकि उनमें उनके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। कल मतदाता वोट डालने आए सर, उनके लिए क्या प्रिपरेशन है सर जरूरी? कल जो मतदाता, क्योंकि आपको पता है कि कोविड बहुत फैल रहा है और इस कोविड के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। हमारे पास मास्क है, हमारे पास सैनिटाइजर है और बाहर पुलिस मैन की ड्यूटी लग रखी है, वो बिल्कुल सैनिटाइजर उनके हाथ सैनिटाइज करवा के उनको थर्मल स्क्रीनिंग करवा के तभी एंट्री की जाएगी। और सपोज अगर किसी को कोई थोड़ी बुखार या ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनको थोड़ा दूर किया जाएगा उनको। और इवन अगर कोई कोविड पेशेंट भी अगर मतदान डालने के लिए आता है तो उसको डलवाया जाएगा, उसको कोविड नियमों के तहत सारे उसको फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब उसको मतदान से नहीं रोका जाएगा जी, उसको उसका वोट डलवाया जाएगा हर कीमत पे। क्या क्या जरूरी चीजें हैं सर जो कल मतदाता अपने साथ लेके आए? मतदाता अपने साथ वोटर कार्ड ला सकते हैं, पैन कार्ड ला के सकते हैं, आधार कार्ड ला के सकते हैं। अगर इनमें से भी कोई नई कार्ड हुआ उनके पास तो अपने साथ को कोई गजट ऑफिस का साइन किया हुआ कोई भी अपना कोई आइडेंटी कार्ड लेके आ सकते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन है, उनके पास सीनियर सिटीजन का कोई कार्ड बना होता है तो उसके थ्रू भी उनकी वोट डाली जाएगी। लेकिन उनको कोई ना कोई एक प्रूफ जरूर लेके आना साथ में, ताकि हम उनकी आइडेंटिफिकेशन को मिला सकें। हमारी सरकार ने देखो बहुत सारे प्रयत्न किए हैं कि हर एक मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करें और सभी को इस मत में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।